सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नियत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक ड्रीम प्रोजेक्ट को आज बड़ी राहत मिल गई है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पद्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेशन। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। देखिए, जातीय जनगणना पर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि जातीय जनगणना पर एक बार फिर से ग्रहण मंडरा सकता है, अब उस ग्रहण को खत्म कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे जातीय जनगणना पर जिस तरीके से रोक लगाई जा रही थी, जो रोक लगाने वाली याचिका थी, उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब बीजेपी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहीं ना कहीं इशारा करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिक्कत उनको है, सवाल वो खड़ा करते हैं, न्यायालय का पर सवाल वो उठाते हैं जिनको सीबीआई, ईडी और न्यायालय पर भरोसा नहीं। क्या कुछ कह रहे विजय कुमार सिन्हा, सबसे पहले आप वो सुने। जो भी निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय का सम्मान करती है। जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर टीका टिप्पणी और प्रश्न उठाते हैं, जरा उनसे पूछिए। संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते हैं, माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नियत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान किए हैं और इसका खुलासा करे जातीय जनगणना का। तो आपने सुना, एक बड़ा ऐलान बीजेपी ने भी कर दिया और समर्थन जातीय जनगणना पर बीजेपी के तरफ से कर दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से फैसला आने वाला था, सभी की निगाहें, पूरे बिहार वासियों की निगाहें और महागठबंधन सरकार की निगाहें इसी पर टिकी थी कि क्या जातीय जनगणना पर रोक लग जाएगी, क्या एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को ये पूरी जो मामला है वो झेलना पड़ेगा। मगर अब पटना हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आता है तो सीएम नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिलती है और देखिए, विजय कुमार सिन्हा ने भी अब समर्थन कर दिया है। पूरे बिहार बीजेपी के तरफ से समर्थन जातीय जनगणना को लेकर कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को इशारों में विजय कुमार सिन्हा ने खूब सुना भी दिया है। बहरहाल, क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार सिन्हा वो आपने सुन लिया। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।